कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आखिरकार बुधवार देर रात ये सस्पेंस पर ही विराम लग गया। सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, इसका ऐलान अब कांग्रेस ने कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में जीत पार्टी की नहीं बल्कि जनता की हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष ने किया है और डीके शिवकुमार भी सीएम पद के दावेदार हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव तक डीके शिवकुमार अध्यक्ष बने रहेंगे और पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी से चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया कि सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जबकि डीके शिवकुमार कर्नाटक के इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिवकुमार संसदीय चुनाव के अंत तक पीसीसी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उस दिन शपथ लेगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए खड़गे ने विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया। गुरुवार को कर्नाटक के सीएम का औपचारिक ऐलान कर दिया कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे, जबकि साल 2024 तक डीके शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की घोषणा पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं पूरी तरह से खुश हूँ, मगर कर्नाटक के हित के लिए पार्टी और डीके शिवकुमार और सभी को ये स्वीकार करना होगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री नामित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के आवास के बाहर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया।